अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल लेते हैं, रियाद सऊदीया से सवाल आया, नाम है ख़ान, और इनका सवाल पूछ रहे हैं कि सऊदीया में रहते हैं और इनके माँ बाप इंडिया में हैं, क्या ये पहले हज करें या इनके माँ बाप पहले हज करें। ठीक है, आपने सवाल पूछा था कि खान साहब ने यह सवाल पूछा कि वो खुद सऊदीया में रहते हैं और इनके माँ बाप इंडिया में हैं, तो पहले इन पर हज पहले फर्ज बनते हैं या वो अपने माँ बाप को पहले हज करवाएं। देखिए, इसका तरीका ये है कि क्योंकि वो खुद पहले सऊदीया में रहते हैं, अगर उन्होंने हज नहीं किया हो तो पहले उनके लिए ये ऑब्लिगेटेड है कि वो पहले हज करें, क्योंकि वो करीब हैं। अब खुद जब हज कंप्लीट कर देंगे, इसके बाद अगर उनके पास इतना मुनासिब फाइनेंशियल हो जाता है कि वो अपने माँ बाप के लिए हज करवा सकते हैं, फिर वो इस चीज़ को बाद में करवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि उनके पास उनके ऊपर ये पहले ऑब्लिगेटेड है, क्योंकि वो खुद समझें कि एक सऊदीया में रहते हैं और उनके ज़्यादा करीब है, और दूसरा ये है कि वहाँ पे जॉब करते हैं और उनके लिए फाइनेंशियली ईजी होगा कि वो पहले हज करें। क्योंकि अब ऐसे नहीं है कि जो इंसान अल्लाह ताला के घर के पास रह रहा है, और एक इंसान वो है जो दूसरे मुल्क में है। ठीक है, अब वो दूसरे मुल्क में रह रहा है, अब हम सोच रहे हैं कि पहले उनको हज करवाएं बाद में करा। अब ये भी हो सकता है कि हमारी पहले डेथ हो जाए, तो हम समझे कि बग़ैर हज के मर गए, जो हमारे ऊपर पहले ऑब्लिगेटेड है। अब जो दूसरा है, अगर उनकी तकदीर में अल्लाह ताला ने लिखा होगा पहले आप अपना जो फाइनेंशियल है उसको ठीक करें, आप पहले आप अपना हज कम्प्लीट करें जो आपके ऊपर पहले ऑब्लिगेटेड है, फिर जब वक्त गुजरने के बाद आपके पास इतना फाइनेंशियल हो जाता है, फिर आप अपने माँ बाप के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं ताकि वो सऊदी आके भी हज कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।